नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मूवीज वर्ल्ड पे। आज के स्टूडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट माइंड ब्रेकिंग मूवीज, फैंटेसी मूवीज, ऐसी मूवीज जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये मूवीज आपको पूरी तरह से हिला के रख देंगी, ऐसी मूवीज आपने कभी देखी नहीं होगी, गारंटीड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मूवी है जुमांजी। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एडवेंचर एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको मेन लीड में दिख जाएंगे ड्वेन जॉनसन, द रॉक। मूवी कमाल की है। इसके अंदर आपको दिखेगा एक ऐसा वर्ल्ड जिस वर्ल्ड की कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। मैं आपको बेसिक स्टोरी बताता हूँ। होता ये है कि इसके अंदर एक गेम होती है जिसका नाम होता है जुमांजी। तो कुछ कॉलेज के बच्चे उस गेम को प्ले करते हैं और प्ले करने की वजह से वो चार लोग उस गेम के अंदर ही चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद क्या वो वापस उस गेम से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, वो आपको देखना है। और गेम का जो वर्ल्ड है वो अनबिलीवेबल है, अनएक्सप्लेनेबल है। इतनी कमाल की मूवी है, आपको बहुत पसंद आई ये मूवी। इसका सेकेंड पार्ट भी बन चुका है 2019 में और वो मूवी हिट रही है। हिंदी में दोनों मूवी अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी सेकंड मूवी है हैरी पॉटर। ये मूवी आई थी 2001 में। ये एक एडवेंचर फैंटेसी फैमिली मूवी है। इसके अभी तक 6 पार्ट आ चुके हैं और सारे के सारे हिंदी में अवेलेबल हैं। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जिसके माँ बाप अब नहीं रहे, उनका किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। अब उस लड़के के पास ऑफर आता है कि वो जादू सीखे, क्योंकि उसके माता पिता जादूगर थे। इसकी वजह से उसको भी यही ऑफर आता है कि वो जादू सीखे। अब वो जाता है जादू सीखने के लिए मैजिक वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे वो क्या जादू सीख पाता है और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। अगर किसी मूवी के 6 पार्ट बने हो ना तो समझ जाइए वो मूवी कमाल की मस्त मूवी है। इसके सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिला है 7.6 out of 10। कमाल की मूवी है, जरूर देखिए। सारी हिंदी में अवेलेबल है, इंटरनेट से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी थर्ड मूवी है मैलिफिसेंट। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैमिली मूवी है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से। एक राज्य के अंदर एक छोटी सी लड़की पैदा होती है, बड़ी मन्नतों के बाद पैदा होती है। तो राजा जो है वो बुलाता है 7 परियों को कि वो आके उसको वरदान दें, और वो भूल जाता है एक मैलिफिसेंट नाम की जादूगरनी को बुलाना, क्योंकि उसको लगता है कि वो अब तक मर चुकी होगी। लेकिन वो आ जाती है और आने के बाद वो लड़की को वरदान तो नहीं देती लेकिन श्राप दे देती है कि 16 साल की उम्र में ये मर जाएगी एक सुई के चुभने से। पर जो 7वीं परी थी जिनको राजा ने बुलाया था, वो सोचती है कि वो किस तरह इसको बदले, क्योंकि वो इतनी ताकतवर तो नहीं होती। लेकिन वो ट्राई करती है और वो उस श्राप को इस तरह बदल देती है कि 16 साल की उम्र में ये सुई चुभने से 100 साल के लिए नींद में चली जाएगी, और जब तक कोई प्रिंस आके इसको किस नहीं करेगा तब तक ये वापस जिंदा नहीं होगी। तो अब मूवी में आपको आगे की स्टोरी देखनी है। मूवी तो कमाल की है, हिंदी में अवेलेबल है। नहीं, ये वाली मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसका सेकंड पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। और इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 7 out of 10, शायद ही हिंदी में आ गई हो। मूवी कमाल की है, जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी फोर्थ मूवी है थॉर रैग्नारोक। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। आपको पता होगा थॉर रैग्नारोक मार्वल की मूवी, और मार्वल की सारी मूवी जबरदस्त होती हैं। यही वो मूवी थी थॉर रैग्नारोक जिसमें थॉर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और थॉर को एक हिट सुपर हीरो बना दिया। मूवी की स्टोरी शुरू होती है थॉर से, जो कि एसगार्ड से जाता है अपने पिता को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर उसके पिताजी चल बसते हैं और उसके बाद उसकी बहन हेला की एंट्री होती है, जो थॉर को, लोकी को एसगार्ड से बाहर फेंक देती है। उसके बाद थॉर जाके गिरता है सकार पे, और अब क्या थॉर सकार से वापस जाके अपनी बहन को मार पाएगा और एसगार्ड को जीत पाएगा या नहीं, वो आपको देखना है। और इसके अंदर थॉर रैग्नारोक को रोकने की भी कोशिश करता है, रैग्नारोक मतलब एसगार्ड की तबाही। तो क्या थॉर उसको भी रोक पाता है या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की रेटिंग संगी 7.9 out of 10। मूवी कमाल की है, जरूर देखिए, हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, हमारी फिफ्थ मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। ये मूवी आई थी 2003 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं और 5 के 5 हिंदी में अवेलेबल होंगे। इजीली आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लुटेरे से जिसका नाम होता है जैक स्पैरो। अब जैक स्पैरो ने कुछ लोगों का कुछ बिगाड़ दिया था, मतलब उसकी वजह से कुछ लोगों को, कुछ एक पायरेट्स के ग्रुप को श्राप मिल गया था कि वो लोग मुर्दे रहेंगे, मतलब वो कुछ खा पी नहीं सकते, मुर्दे की तरह वो चलेंगे जियेंगे। उनकी चमड़ी भी जब वो चांद की रोशनी में आएंगे या धूप में आएंगे तो मुर्दे बन जाएंगे। तो वो लोग जो मुर्दे हैं वो जैक स्पैरो को पकड़ के वापस जिंदा होना चाहते हैं। तो क्या वो लोग वापस जिंदा हो पाते हैं या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी के अंदर सब कुछ है, खजाना है, कॉमेडी है, भूत प्रेत सब कुछ है। कमाल की मूवी है, हिंदी में अवेलेबल है, जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी 6th मूवी है फंटास्टिक बीस्ट। ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जो कि लंदन से अमेरिका आता है।
कुछ ऐसे जानवरों को पकड़ने जिनके पास जादुई शक्ति होती है, मतलब वो बचाने का काम करता है उन सभी स्पीसीज को। लेकिन जब वो अमेरिका आता है तो उसको पता चलता है एक काली शक्ति सभी जादूगरों को मार रही है। तो क्या अब वो उस काली शक्ति को हरा पाता है या उससे बच पाता है कि नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इसके अभी तक दो पार्ट्स आ चुके हैं, एक 2019 में, एक 2016 में। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। दोनों पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.3 out of 10। मूवी कमाल की है, जरूर देखिए। दोस्तों मेरी 7th मूवी है अलादीन। ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जो अपना पेट भरने के लिए चोरियां करता है। एक दिन उसके ऊपर एक नज़र पड़ती है एक जादूगर की, जो उसको ऑफर देता है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा तो कि तुम किसी लड़की को, किसी प्रिंसेस को भी इम्प्रेस कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें मेरे लिए वो चिराग लाना होगा जो एक गुफा के अंदर हैगा। पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम वहां के बेशुमार खजाने को देख के ललचाओ मत, वरना वो गुफा तुम्हें मार डालेगी। आगे की स्टोरी तो आप सभी को पता है, सबको पता होती है कि अलादीन की स्टोरी में आगे क्या होगा। पर इस मूवी के सीजीआई और ग्राफिक्स देखने लायक हैं। डिज्नी की मूवी है, हाई बजट मूवी है, कमाल की मूवी है। विल स्मिथ की आज तक की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी यही रही है। मूवी जबरदस्त है, हिंदी में अवेलेबल है, जरूर देखिए। दोस्तों हमारी 8th मूवी है एलिस इन वंडरलैंड। ये मूवी आई थी 2010 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की बेसिक स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जिसको बचपन से ही सपने आते हैं वंडरलैंड के, और उसको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं और वो पागल हो रही है। पर एक दिन जब वो बड़ी होती है तो वंडरलैंड में पहुंच जाती है किसी वजह से, और उसके बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक रेड क्वीन नाम की जादूगरनी है जो पूरे वंडरलैंड पर शासन कर रही है और वो सब लोगों का जीना हराम कर रखा है उसने। तो क्या एलिस उस रेड क्वीन को हरा पाती है और वंडरलैंड को वापस आज़ाद कर पाती है नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की रेटिंग्स है 6.4 out of 10 IMDb पे। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, कमाल की मूवी है, जरूर देखिए। दोस्तों हमारी 9th मूवी है ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक फैमिली फैंटेसी म्यूजिकल मूवी है। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्रिंस से जो अपना बर्थडे मना रहा होता है, पर वो बड़ा घमंडी होता है। उसके बर्थडे में एक जादूगरनी भी आती है भेष बदल के, वो उसको फूल देती है पर वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। बोलता है तुम इतनी बदसूरत हो, तुमसे कौन फूल लेगा। जादूगरनी को आ जाता है गुस्सा, वो उसको वहीं पे श्राप दे देती है कि आज से तू इतना बदसूरत हो जाएगा कि कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा और तेरा साम्राज्य भी समाप्त हो जाएगा। तो गिड़गड़ाने लगता है तो जो जादूगरनी होती है वो उसके ऊपर दया खा के उसको एक गुलाब देती है और बोलती है इस गुलाब के आखिरी पत्ता गिरने तक अगर किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया तो तुम पूरी तरह से मर जाओगे, तुम्हारा पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो अब देखना ये है क्या उससे वो लड़की प्यार करती है। हाँ, इसके अंदर एक मेन लीड में लड़की है, क्या उससे प्यार करती है या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, कमाल की मूवी है, 7.1 इसकी रेटिंग है IMDb पे। दोस्तों हमारी 10th मूवी है ब्रिज टू टेरा बीथिया। ये मूवी आई थी 2007 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक लड़का और एक लड़की, दोनों बच्चे होते हैं। वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा खुश नहीं होते, बोरिंग सी जिंदगी जी रहे होते हैं। पर एक दिन जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो जाते जाते वो एक मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाते हैं जो एक मैजिकल लैंड होता है, और वहाँ पे बहुत से ऐसे खतरे होते हैं जिनका उन्हें सामना करना रहता है। तो क्या वो लोग उन खतरों का सामना कर पाते हैं या मूवी कर पाते हैं या नहीं, वो इसके अंदर आपको देखना है। मूवी की रेटिंग्स 7.1 out of 10 IMDb पे। मूवी कमाल की है, हिंदी में अवेलेबल है। इस लिस्ट की सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं, सबको आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।